अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि सब नाज़रीन खैरियत से होगी। आज हम बात करेंगे PSL 7 की मैच नंबर 5 के बारे में, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। आपके साथ शेयर करते हैं उस मैच की शॉर्ट रिपोर्ट। तो जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुकर्रर 20 ओवर में 169 का टारगेट दिया। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से टॉम कॉलर, किटमोर और यासिर खान बैटिंग करने के लिए आया। टॉम कॉलर किटमोर ने 3 गेंदों का सामना किया और हसन अली की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो। टॉम कॉलर किटमोर आउट होने के बाद हैदर अली आया। हैदर अली और यासिर खान खेलते हुए फिर यासिर खान 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर 155 स्ट्राइक रेट के साथ आउट हुआ। बैटिंग करने के लिए हुसैन तलात आया, जिसने 9 गेंदों पर 2 रन बनाकर 22 स्ट्राइक रेट के साथ आउट। फिर बैटिंग करने के लिए शुएब मलिक आया। शुएब मलिक और हैदर अली साथ खेल कर फिर हैदर अली 13 गेंदों पर 15 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से शादाब खान की क्लीन बोल्ड होने का शिकार हो। फिर बैटिंग करने के लिए शार्पन रदरफोर्ड आया। शुएब मलिक और शार्पन रदरफोर्ड खेलते हुए शुएब मलिक ने 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर 1 चक्का और 2 चौके की मदद से 113 स्ट्राइक रेट के साथ आउट हुआ। फिर बैटिंग के लिए बेन कटिंग आया, जिसने 17 गेंदों की मदद से 26 रन बनाया। उसकी इनिंग में 4 चौके शामिल थे। वो भी 152 स्ट्राइक रेट के साथ हसन अली का शिकार बना। उसके बाद वहाब रियाज आया, जिसने 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर नट आउट करार पाया। उसके साथ शार्पन रदरफोर्ड ने 46 गेंदों पर 70 रन बनाया, वो भी नॉट आउट करार पाया। 152 स्ट्राइक रेट के साथ उनकी इनिंग में 3 चक्के और 7 चौके शामिल थे। बाकी तरफ से हसन अली और फहीम अशरफ 4 ओवर में 2 विकेट लेने में कामयाब, जबकि मोहम्मद वसीम और शादाब खान 1-1 विकेट लेने में कामयाब हुए। नवाज यूनाइटेड की तरफ से बैटिंग करने के लिए फुल स्ट्रेंथ और एलेक्स हिल्स आए। फुल स्ट्रेंथ 25 गेंदों पर 57 रन बनाकर, जिसके इनिंग में 3 चक्के और 7 चौके शामिल थे। 228 स्ट्राइक रेट के साथ वहाब रियाज ने रन आउट किया। उसके बाद बैटिंग करने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज आया, जिसने 16 गेंदों पर 27 रन बनाकर 168 स्ट्राइक रेट के साथ नट आउट करार पाया। इसकी इनिंग में 2 चक्के और 1 चौका शामिल था। और उनके साथ एलेक्स हेल्स, जिसने 54 गेंदों पर 52 रन बनाकर 151 स्ट्राइक रेट के साथ नट आउट करार पाया। उनकी इनिंग में 1 चक्का और 13 चौके शामिल थे। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 15.5 ओवर में मुकर्रर टारगेट 1 विकेट की नुकसान पर मुकम्मल कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी PSL 7 की 5वीं मैच की रिपोर्ट। अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़ल्मी टीवी में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इसी तरह PSL 7 की हर मैच की अपडेट सबसे पहले मिल सके।